क्या तुम्हें पता है कि इन प्रो प्लेयर्स का लेवल इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं बढ़ता? हमें इतनी इज्जत सम्मान क्यों नहीं मिल पाता? लेकिन हमें भी एक टाइम पे बहुत सम्मान मिलता था जब हमारी पुरानी आईडी हुआ करती थी। अरे वो भी क्या दिन थे यार, जब मैंने 55वां लेवल क्रॉस किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि एक महीने पहले ही आईडी बैन हो गई। लेकिन उसके बाद हमने दूसरी आईडी बनाई और उसमें एक महीने में ही 45 लेवल कर दिया, क्योंकि मेरे को वो ट्रिक्स पता थी यार जो प्रो लोग यूज करते हैं, और मैं भी तो प्रो ही हूं ना। तो गाइस आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूं जो प्रो लोग यूज करते हैं, और आप भी उसको यूज करोगे उसके बाद आपका भी लेवल राजधानी से भी ज्यादा फास्ट भागेगा। और आप एक दिन मेरे को याद करोगे कि हाँ, वो बंदे ने ये ट्रिक बताई थी, उसकी वजह से मेरा लेवल बूस्ट हो गया और हमें भी अब समाज में सम्मान मिलने लगा है। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अर्बन गेमिंग यूट्यूब चैनल। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वाह, क्या रोमांस चल रहा है। सो गाइज जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है वो है इस कार्ड का यूज करना, वो भी सही तरीके से। जैसे बैट के बिना बैटिंग नहीं हो सकती, बॉल के बिना बॉलिंग नहीं हो सकती, और फुटबॉल के बिना फुटबॉलिंग नहीं हो सकती, वैसे ही इस कार्ड के बिना आपका लेवल जल्दी बूस्ट नहीं हो सकता। सही बात है। देखो गाइस, ये कार्ड तुम्हें कितनी बार फ्री में मिलता है, इसके लिए तुम्हें कोई पैसे खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितने लोग अभी भी आज की तारीख तक इस कार्ड को यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो आज जान लो कि ये कार्ड लेवल बूस्ट करने में काम आता है। जब आपका मैच खत्म होता है उसके बाद आपको ये चीज मिलती है, और इसकी ही मदद से आपका लेवल बूस्ट होता है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मेरे 183,000 एक्सपीरियंस पॉइंट है और मेरे को 46 लेवल करने के लिए चाहिए 196,000, और ये पॉइंट आपको गेम खत्म होने के बाद यहाँ पर शो होते हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि वो कार्ड क्या रोल प्ले करता है। तो वो कार्ड आपकी ये जो पॉइंट है उसको दुगना कर देता है, मींस आपने एक मैच में 100 पॉइंट कमाए, और अगर आपने ये कार्ड यूज किया हुआ है तो आपको उस मैच के बाद 200 पॉइंट मिलेंगे। और जो नए प्लेयर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको यूज करना नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ कि आपको सिर्फ इस पर क्लिक करके बैक आ जाना है, उसके बाद आपका कार्ड इक्विप्ड हो जाएगा और आपको मैच खेलना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की, कि आपको कौन से मैच खेलने हैं और किस तरह से खेलने हैं। अभी तुम लोग बोलोगे कि हाँ, अपन लोग मस्त इसको लगा के क्लैश स्क्वाड रैंक खेलेंगे और अपनी रैंक भी प्लस कर लेंगे, और अपना लेवल तो एक का डबल होने ही वाला है। लेकिन 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 रुको, ब्रेक मारो अभी। तुमको अगर सुपर तेजी से अपना लेवल बूस्ट करना है तो ये दोनों मैच को कैंसल मारो अभी, और ये मैच को भी। अभी तुमको सिर्फ रैंक गेम खेलना है, और वो भी सोलो में, क्योंकि शायद मेरे को नहीं पता कि ये फ्री फायर का फैक्ट हो सकता है, या तो फिर उन्होंने रखा है एडवांटेज कि हमारा सोलो मैच खेल के ये एक्सपीरियंस जल्दी मिलता है, हमारा लेवल जल्दी बूस्ट होता है। क्योंकि गाइस सोलो मैच में हम खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, हम अकेले बंदों को मारते हैं, हम अकेले वहां से बच के निकलते हैं, और स्क्वाड में हमारी स्क्वाड भी हमारे साथ होती है मदद करने के लिए। इसीलिए शायद फ्री फायर ने ऐसा रखा है कि सोलो मैच में हमारा लेवल जल्दी बढ़ता है। और गाइस आपको जितना हो सके उतना आखिर तक सर्वाइव करना है। आप अगर टॉप 10 में आ जाओगे तो आपका लेवल ज्यादा बढ़ेगा, और अगर आप टॉप 3 में आ जाओगे तो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, और अगर आप बोया कर लोगे तो उससे भी बड़ा। तो गाइस अब हमने सर्वाइव भी कर लिया, उसके बाद बात आ जाती है किल की। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मेरा डिवाइस तो ऐसा है, 2GB रैम वाला है, मैं नूब हूं, मेरे को वो सुरेश बोलता है कि तू जल्दी नॉक हो जाता है, तू बंदर जैसा खेलता है। तो रुको, किल ज्यादा करने से आपके एक्सपीरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। हाँ, आपकी केडी बढ़ेगी, अगर आपको केडी बढ़ाना है तो भैया ले लो अच्छा डिवाइस। लेकिन भैया आज अपन लोग बात कर रहे हैं लेवल बढ़ाने की, तो लेवल एक्सपीरियंस से बढ़ता है भाई, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खेल के अपना एक्सपीरियंस लेवल बढ़ाना है, और वो भी रैंक मैच खेलना है, ठीक है। और मेरी फ्रेंड लिस्ट में कितने ऐसे बंदे हैं कि जिसके पास नोकिया का सैमसंग का डब्बा फोन है, लेकिन वो लोग 65-70 लेवल करके बैठे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग पूरा दिन लगे रहते हैं। मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा कि आपको भी पूरा दिन 24 घंटे लगे रहना है फ्री फायर में, आपको सिर्फ सर्वाइव ज्यादा करना है। और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, जैसे ये अज्जू भाई, राय स्टार, और भी बहुत प्लेयर्स हैं, और ये लोग सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं।
अपने आरपी के मिशंस नहीं करते हैं रैंक गेम में। हाँ वो अलग बात है कि वो एक ही दिन में अपना आरपी मैक्स कर देते हैं, लेकिन अपना भी लेवल ज्यादा हो जाएगा, अपनों को सम्मान मिलने लगेगा, फिर करते रहना भाई आरपी के मिशन और क्लैश स्क्वाड खेलते रहना। किसने रोका है तुमको, वो तो अभी भी खेल ही रहे हो ना, 2-3 महीने भाई सबर कर लो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सबसे खतरनाक ट्रिक की ओर। खतरनाक इसीलिए बोला क्योंकि इसमें तुम्हारी आईडी भी जा सकती है, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन सुन तो लो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे फायदे की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। तुमको अपनी आईडी को बांट देना है, मींस अपने जो खास मित्र होते हैं ना, जो खास एकदम खास, जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सको, उनको ही देना सिर्फ। क्योंकि अगर तुमने किसी चीटर दोस्त को आईडी दी जो कि तुमसे जलता है, और उसने आपकी आईडी ले ली, आपकी आईडी का पासवर्ड बदल लिया, तो फिर भैया मेरे को बोलने मत आ जाना, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल ही खास बंदे को देना, एक दो चलेगा, लेकिन तुम्हारी आईडी जाएगी वो नहीं चलेगा। और उनको बोलो कि यार 2-3 घंटे मेरी भी आईडी खेल लिया कर, इससे तुम्हारा 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस 1 दिन में ही मिल जाएगा। और मैंने भी यही ट्रिक को यूज़ करके 1 महीने में अपना लेवल 45 किया है। अब इससे लेवल जल्दी कैसे बढ़ेगा, तो मेरा एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि मैंने अपने 3 दोस्त को मेरी आईडी दी है और मेरे को मिला के 4 लोग हो जाते हैं, तो टोटल 4 जन मेरी आईडी को खेलते हैं, और हम 4 और 3-3 घंटे मेरी आईडी खेलते हैं, और 3 फोर्जा होता है 12, तो टोटल 12 hours 12 kalaak मेरी आईडी खेली जाती है। और मान लो कि तुमने भी अपने 3 दोस्त को आईडी दे दी, और खास दोस्त को देना, ठीक है, और तुम भी 3-3 घंटे खेलते हो, वो भी ये कार्ड लगा के, और सिर्फ रैंक मैच खेलना है, तो भैया सोचो कि तुम्हारा लेवल कितनी जल्दी बढ़ेगा। वो अलग बात है कि ये ट्रिक में थोड़ा रिस्क है, लेकिन तुम अपनी सिक्योरिटी को हाई रख के आईडी दोगे तो तुम्हारा आईडी जाने का खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए ये ट्रिक को अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, और अगर नहीं करना चाहते तो जो मैंने पहले बताया वो करो, उससे भी तो लेवल बढ़ेगा ही ना। वो अलग बात है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बढ़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और अगर तुम मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे तुम्हें ही फ़ायदा मिलने वाला है, और क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। तो बस गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा। और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आजकल माहौल भैया बहुत खराब चल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो सवेरा जरूर होगा। तब तक के लिए मास्क है जरूरी, थोड़ी प्रोटेक्शन तो कर ही देता है, ठीक है। सो बाय बाय।